Hey guys, welcome to मैनेट ऑफ इंग्लिश दिस इज रजनी हियर तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम ईडियम्स कर रहे हैं दैट वी विल कवर टेन ईडियम्स डेली तो आज भी हम टेन ईडियम्स ही करेंगे तो बिफोर वी स्टार्ट अन अकेडमी के बारे में जान लेते हैं हम तो यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स टीच करते हैं लर्निंग बिल्कुल लाइव रहती है आपको अनलिमिटेड एक्सेस रहता है कोर्सेज का एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहता है रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं लाइव टेस्ट सीरीज चलती हैं और स्टडी मटेरियल मिलता है आपको विद प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं एंड यू विल गेट मेंटोरशिप एंड गाइडेंस हियर तो ये आस्क डाउट फीचर इसके बारे में आपको पता ही है तो इसका फायदा उठाएं यू कैन आस्क थ्री डाउट्स इन अ गो तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो ये अन अकेडमी ब्रांडेड नोट्स हैं तो ये नोट्स क्रिएट किए जाते हैं बाय एक्सपर्ट्स रिव्यू किए जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एंड दीज आर एक्सेसिबल एनी वेयर एन एनी टाइम तो यहाँ पे ये नोट्स हैं जो आइकॉनिक लर्नर्स को उनके डोर स्टेप पे डिलीवर किए जाएंगे किए जाते हैं एंड जो प्लस लर्नर्स हैं उनको उनकी ऐप में इनका एक्सेस मिलेगा बट वो उसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ओके okay, तो ये क्रैश कोर्स ओनली इंग्लिश का क्रैश कोर्स आपके लिए सर लेके आ रहे हैं जो आज से शुरू हो चुका है दैट्स अगस्त yes, तक रहेगा ट्वेंटी थ्री लेसन्स आपको सर यहाँ पे ट्वेंटी थ्री लेसन में ही मतलब ट्वेंटी थ्री सेशन में ही आपको सर पूरा का पूरा ग्रामर है जो कवर करवा देंगे कि आपका कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा अगर अगर आप ये आज से सेवनटींथ अगस्त तक ये पूरा सेशन लगा लोगे तो आपका कट uh, ऑफ तो क्लियर कर ही लोगे आप लोग ठीक है तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दिस इज द लिंक ओके तो ये अगेन ये भी आज का लास्ट डे है ऑफर का जो चल रहा है कि अगर आप सीडीएसएफ कार्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिक्स मंथ पे आपको वन मंथ फ्री मिलेगा ट्वेल्व मंथ पे आपको ट्वेल्व मंथ एस एस बी फ्री मिलेगा एंड ट्वेंटी फोर मंथ पे आपको फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और सेम फॉर सी ए पी एफ आज का लास्ट डे है तो जल्द से जल्द लीजिए यस और एक फ्री वर्कशॉप हो रही है इन देहरादून ऑन ट्वेंटी फोर्थ जुलाई तो ये सारा वेन्यू एंड ऑल लिखा हुआ है तो ज्वाइन कीजिए अपने फ्री अपने टॉप एजुकेटर्स से आपको मिलने का मौका मिलेगा उनसे अपने जो भी डाउट्स हैं एंड ऑल वो क्लियर कीजिए तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए जो देहरादून के बच्चे हैं और उसके आसपास हैं वो तो जा ही सकते हैं और बाकी भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो दे कैन ऑल्सो विजिट एंड गो देर एंड अटेंड द वर्कशॉप ओके तो दिस इज अगेन फी स्ट्रक्चर है एंड अटेंडॉप का तो अगर आप सिद्धांत लाइव कोड यूज करेंगे तो यू कैन गेट टेन परसेंट डिस्काउंट एंड ये फी स्ट्रक्चर है आइकॉनिक के लिए कि जो आइकॉनिक का सी डी एस एफ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं जो उनके लिए ये फी स्ट्रक्चर रहेगा अगेन वो भी सिद्धांत लाइव कोड यूज़ करेंगे तो टेन परसेंट डिस्काउंट उनको भी मिलेगा तो ओके okay, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द इडियम तो आज का इडियम देखते हैं क्या है आज मैं सेंटेंसेस के साथ इडियम लेके आई हूँ ताकि आपको जानना इनको पहचानना हमने हम जब सेंटेंसेस के साथ करते हैं तो ईजी हो जाता है ना कि अकेला अगर आपको आए लाइक केम टू अस्टैंडस्टिल अगर अकेला हो तो हमें डिफिकल्ट होता है फिर भी आंसर ढूंढना अगर हमें विद सेंटेंस आए तो ये ईजी हो जाता है तो हम आज विथ सेंटेंसेस करते हैं ओके okay, तो फर्स्ट ईडियम क्या है हमारा फर्स्ट सेंटेंस रीड करते हैं द रगमी मैच केम टू अटांस टिव वेन द प्रेजिडेंट एंटर द स्टेडियम केम टू अस्टांस टिव ये बहुत ही कॉमन ईडियम है बहुत ही यूज होता है ये आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा बहुत बार आपने सुना होगा इनको मूवीज एंड ऑल में हॉलीवुड मूवीज में है ना ओके तो देखते हैं ऑप्शन क्या है कॉर्नर टू कम टू विन फेवर केम टू अ सडन स्टॉप तो क्या इसका आंसर है क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा द तो रग् रग् मैच म टू अटैंड स्टिल केम टू अटैंड स्टिल मतलब केम टू अडन स्टॉप इट्स आंसर इज डी सडन स्टॉप के, uh, के, के जब प्रेजिडेंट एंटर हुआ तो एकदम से वो रुक गया मैच ठीक है ओके okay. नेक्स्ट देखते हैं वी आर बाउंड टू बी पंक्ल इनफ टू लेट द ग्रास ग्रो अंडीट हमारा इम क्या है लेट द ग्रास ग्रो अंडीट So, let's see options to make peace, to face defeat, to delay, to ascertain. We are bound to be punctual enough to. Its answer is C, to delay. <coughs> Let the grass grow under feet means to delay. We are bound to be punctual enough to delay. ओके नेक्स्ट इज इट सीम्स दैट साउथ कोरिया हैज प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंस ये बहुत ही इजी ईजीडियम है बहुत ही यूज होता है इन एटॉमिक फील्ड बहुत ही यूज होता है ये ये तो हम नॉर्मली अपना स्पीकिंग में भी यूज कर लेते हैं अपनी कॉन्वर्सेशं में ऐड कर लेते हैं इसको बाय लीप्स एंड बाउंड तो ऑप्शन देखते हैं क्या है रेपिडली स्लोली एबनॉमली शार्पली इट सीम्स दैट साउथ कोरिया हेज प्रोग्रेस वॉट रेपिडली इन एटोमिक फील्ड तो आई होप सबको समझ आ रहा है तो समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके नेक्स्ट इज द रेगुलर स्टाफ लुक डाउन देअर नोज इज लुक डाउन देयर नोज इज एट दी लांस फ्रीलांसर्स क्या होते हैं फ्रीलांसर्स क्या होते हैं जो लाइक साइड बाय साइड बिजनेस करते हैं कि कहीं पे काम भी कर रहे हैं लाइक like अपना जॉब भी कर रहे हैं और बिना मतलब उनके ऑफिस में पता होते हुए वो अलग से अपने घर में भी वही काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग उसको बोल उसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग द रेगुलर स्टाफ लुक डाउन देयर नोजेज आर दी फ्रीलांसर्स ओके ए ऑप्शन क्या है टू शो एंगर to retaliate to insult in the presence of others to regard with contempt to look down their noses ka matlab kya hai kya hai ji to regard with contempt contempt kya hota hai disrespect Contempt मतलब disrespect. तो उनको कैसे regard करते हैं मतलब उनका disrespect करते हैं उनको ऐसी नजर से देखते हैं ठीक ओके okay, तो आगे बढ़ते हैं हमारा फिफ्थ विद सेंटेंस क्या है माय हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ दोज डाइड इन द एक्सीडेंट माय हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ दोज डाइड इन द एक्सीडेंट ओके तो ऑप्शन देखते हैं टू वीप फॉर समथिंग लॉस्ट टू फील सिंपथी टू फील नो सिंपथी टू फॉगेट मैटर्स ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता माई हार्ट गोज आउट ये भी बहुत हम यूज कर लेते हैं टू फील सिंप थी बिल्कुल कि उन फैमिलीज के लिए सिंप थी है जिनके एक्सीडेंट में लोग मर गए सॉरी uh, जो माई हार्ट गोज आउट टू द फैमिलीज ऑफ दोज यस हुईड इन द एक्सीडेंट उनके लिए जिनकी फैमिली के लोग मर गए ठीक okay, है ओके नेक्स्ट देखते हैं यूसेन बोल्ट एंड माइकल दे बोथ न्यू दे विल रीच अ पॉइंट व्हेन दे हैव टू कॉल इट अ डे ये भी बहुत यूज होता है आज के इडियम तो बहुत इजी है जी कॉल इट अ डे दे बोथ न्यू दे विल रीच अ पॉइंट व्हेन दे हैव टू कॉल इट अ डे ओके कॉल इट अ डे देखते हैं ऑप्शंस टू कंक्लूडिंग एंगेजमेंट

Wrap up, कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसको खत्म करना उसको बंद करना ठीक है ये बहुत ऑफिस में बहुत यूज होता है जब लाइक उनका जाने का टाइम हो जाता है ना तो वो अक्सर एक दूसरे को जो होते हैं ना कॉलीग्स वो बोलते हैं लेट्स कॉल इट डे इस तरह से सेन्स वी यूज टू से दिस टू आर कोलीग्स एंड जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल होता है वहाँ पे है ना लेट्स कॉल इट अ डे टू कंक्लूड इंगेजमेंट मीन्स रैप अप के आज के काम से क्या करना रिटायर Retire लेना रिटायरमेंट लेना कि आज का जो भी मैंने काम था मैंने कर लिया खत्म ऑफिस का काम तो मैं उससे आज रिटायर ले रही हूँ रिटायरमेंट ले रही हूँ बंद कर रही हूँ उसको तो रैप टू कंक्लूड इंगेजमेंट जितना आप अपना काम में आपकी इंगेजमेंट थी उसको क्या कर दिया आपने कंक्लूड बंद ओके नेक्स्ट देखते हैं माय फादर केम टू रीड आउट हिज न्यू जोक्स बट इट ऑल सेल्फ लैट वर नॉट पेड अटेंशन टू हैड नो इफेक्ट बिकेम कंप्लीटली अनर्व सॉरी फेस्ड टोटल फेलियर फेलियोर फ्लैट ये भी पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि फ्लैट का मतलब क्या हो सकता है क्या हो सकता है बच्चा लोग हार्ड नो इफेक्ट ओके नेक्स्ट इज

ट्रीटेड लाइटली अपनी मदर के एडवाइस को लाइटली लिया मेड लाइट ऑफ मतलब ट्रीटेड लाइटली ओके तो नेक्स्ट देखते हैं हु विल कैरी द डे इन द वॉर हु विल कैरी द डे इन द वॉर कैरी द डे क्या है ऑप्शन विन अट्रैक्ट फर्स्ट बी डिफीटेड विथ फर्स्ट डे इन दॉर ये भी पढ़ते पता चल रहा है डे का मतलब क्या हो सकता है डे लाइक तो मतलब like उसका वो पलड़ा भारी हो गया समथिंग कैरी द डे मान लो उसको क्यों होता है उसका ठीक है तो विन विल विन दॉर विन इन दॉर कैरी तो द डेम इन्स वेन इट्स आंसर इज ए विन ओके नेक्स्ट द बॉस ब्रॉट मैटर्स टू अ हेड बाय फोर्सिंग हिम टू वर्क मोर ब्रॉट मैटर्स टू अ हेड क्या है ऑप्शन देखते हैं मेड हिम अनहैपी क्रिएटेड अलॉट ऑफ अनहैप्पीनेस क्रिएटेड एन एटमोसफियोर एटमोसफियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन ब्रॉड मैटर्स टू अ डिस तो क्या है ऑप्शन क्या है इसका आंसर द बॉस ब्रॉड मैटर्स टू अड बाय फोर्सिंग हिम टू वर्क मोर तो बॉस ने क्या किया क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ कॉन्फ्रेंटेशन सी इसका ऑप्शन इज सी कॉन्फ्रंटेशन क्या होता है एन आर्ग्यूमेंट उसने एक आर्ग्यूमेंट का माहौल क्रिएट कर दिया बाय फोर्सिंग हिम टू वर्क मोर उसको फोर्स करते हुए काम करो और काम करो एन आर्ग्यूमेंट और वी कैन से फाइट कॉन्फ्रंटेशन क्रिएटेड एन एटमोसफियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन ठीक है तो इट्स आंसर इज सी ब्रॉट मैटर्स टू अड मीन्स क्रिएटेड एन एटमोस्फियर ऑफ कॉन्फ्रंटेशन तो ये आज का हमारा लास्ट इडियम था तो आई होप सबको समझ आए होंगे तो ये आपके लिए इजी भी हो गई विद सेंटेंसेस आपको जज करना भी इजी हो जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस के इसका मीनिंग क्या हो सकता है एंड इनको अगेन अपनी डेली लाइफ में यूज कीजिए जिनको आप यूज कर सकते हैं ठीक है जैसे अ डे हो गया एंड बाय लिप्स एंड बाउंड हो गया कैरी द डे हो गया बीस छोटे छोटे इडियम्स तो हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ भी हम यूज कर सकते हैं तो आई होप सबको समझ आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर जरूर करें एंड uh, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो कोई भी अपना अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहा है तो वो यूज करे ये कोड सिद्धांत लाइव यूज दिस कोड टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ठीक है यूज द कोड सिद्धांत लाइव ओके तो कल फिर हम मिलेंगे इडियम्स के साथ ही तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर ऑल ऑफ़ यू